नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। छात्रों के भारत बंद को महागठबंधन का मिला साथ, देखिए वीडियो में क्या बोले पप्पू। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच छात्र संगठन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया, तो अब बिहार में महागठबंधन ने इस बंद का समर्थन किया है। राज्य के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सभी दलों के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी घोषणा की है। महागठबंधन ने इस बंदी का समर्थन किया और सरकार को चेतावनी भी दी है। पूरे छात्र जो है वो आंदोलन में है। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसने कोई वादा नहीं पूरा किया। बिहार की सरकार ने उनका रोजगार का वादा किया, उनका भी कोई पूरा नहीं। सभी छात्र परिषद और युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद, युवा परिषद और अन्य दल के भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले जो छात्र हैं, वो सड़कों पर रहेंगे अपनी आवाज उठाने। आप जब तक डराइएगा आपका विरोध जारी रहेगा। कल बिहार बंद का निर्णय लिया गया है, छात्रों के अधिकार और उसकी आजादी की। आपने नए 2 एग्जाम को ला दी, क्या करेंगे मिडिल क्लास के बच्चे जीनियर लड़के। उसके बाद आपने कट ऑफ 96 तो 85 और 76 का बच्चा क्या जीनियस नहीं है। पहले आपने लिखा 20 गुना को बढ़ा भी सकते हैं, बाद में आपने कह रहा कि मैं 10 गुना। 1 करोड़ बच्चे 500 भी का एग्जामिनेशन दिए, 500 में अधिक आ गए, 3.5 लाख से ऊपर आपने सिलेक्शन किया, और उसमें यदि बहुत अधिक बच्चे 500 में आ गए तो 2.5 लाख से ज्यादा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, तो आम बच्चों की तो जिंदगी तबाह कर दी ना। और उसके बाद 5 बजे तक मेरे बच्चे प्लेटफॉर्म पर एक चौंक तक नहीं बोला। रात में आपने गोली चला दिया, आंसू गैस चला दिया, दूसरे दिन भी आप ढुक ढुक के मारे। हमारे बच्चे कौन सा हिंसा कर रहे थे? हमारे बच्चे हिंसा के पक्ष में नहीं है। हिंसा तो ये बलात्कारी भ्रष्टाचारी करता है, हिंसा तो ये नफरत करने वाले इंसान को तोड़ दिए, वह हिंसा नहीं है। टैक्स के पैसे से लूटने वाला हिंसा नहीं है, अपने राइट की बात करने वाला हिंसा। हम बैठेंगे, हिंसा के पक्ष में कतई मेरे विद्यार्थी नहीं है। आपने उसकाया, हम सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अपने राइट के लिए लड़ना और मरना चाहते। हम लड़ेंगे भी मरेंगे भी, डराए ना या सरकार। गोली के ताबूत पर पप्पू यादव और युवा कभी नहीं डरा। जितनी गोली है चला लो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप बच्चे और शिक्षक पर से एक मुकदमा वापस ले, आप धोखेबाज हैं। 8 साल में धोखा दिया करोड़ करोड़ करोड़, आपकी अब धोखी नहीं चलेगी। यूपी के चुनाव के स्टंट के कारण आपने सस्पेंड भी किया और एक कमिटी बना दी। 15 दिनों के अंदर कमिटी की रिपोर्ट, 1 महीने के अंदर भारत के बच्चे रिजल्ट चाहते हैं। आप इसकी घोषणा किसी भी कीमत वैकेंसी में करिए और केस वापस लीजिए। ग्रुप डी के संशोधन को मत करिए, कंप्लीट राय लेकर के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन को बढ़ाइए। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर सीएम नीतीश कुमार काम पर वापस लौटे, इस विभाग की कर रहे हैं समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम पर लौट आए हैं। कोरोना संक्रमित होने के कारण वो विभागीय कामों से दूर थे। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने वापसी कर ली है। सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को स्वस्थ होने के बाद पहली बार समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित अपने कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ
बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। पटना के कोचिंग संचालकों संघ डीएम व एसएसपी की बैठक, दोषियों पर कार्रवाई तो बेकसूरों को भयमुक्त रहने का भरोसा। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो द्वारा कोचिंग संचालकों प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाहरणालय सभागार में बैठक की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि 6 कोचिंग संचालकों के विरुद्ध पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है उन व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जाएगा तथा उन्हें निर्धारित तिथि, स्थान व समय पर अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। वे भय रहित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। पटना के जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह आधारित अथवा बदले की भावना से कार्य नहीं किए जाएंगे, बल्कि पूरी पारदर्शिता एवं साक्ष्य के आधार पर ही विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जनजीवन को परेशान करना तथा विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करना कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह के गैर कानूनी तथा गैर जिम्मेदाराना कार्य करने वाले तथा समूह को उग्र एवं हिंसात्मक स्वरूप देते हुए आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आज मिले 1034 नए कोरोना मरीज, पटना में 134 नए मामले। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1034 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में 134 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 10321 हो गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 82108 लोगों की जांच हुई, जिसमें 1034 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना में नए मरीजों की संख्या 134 है। बता दें कि बुधवार को बिहार में 2120 नए मामले सामने आए थे। बुधवार को एक्टिव केसेस 12596 थी। कल पटना में 336 नए केसेस सामने आए थे। बता दें कि कल की तुलना में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अररिया में 24 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अरवल में 8, औरंगाबाद में 7, बांका में 22, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 25, भोजपुर में 72, बक्सर में 13, दरभंगा में 26, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 32, गोपालगंज में 40, जमुई में 17 नए मामले सामने आए हैं। एनटीपीसी ने आईजीआईएमएस को सौंपे 4 हाईटेक एम्बुलेंस, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया रवाना। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज पटना के आईजीएमएस को अनुदान के तहत प्रदान की गई 4 हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईजीएमएस के परिसर में आयोजित समारोह के दौरान एनटीपीसी की ओर से आईजीएमएस के चिकित्सा अधीक्षक को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी गई। समारोह में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर बिहार के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। पिछले 4 वर्षों में एनटीपीसी सीएसआर के तहत बिहार में 320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर चुका है। उन्होंने कहा कि उनके प्रभार लेने के बाद से बिहार में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एनटीपीसी और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की है। इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने या गुम होने पर भी एग्जाम की अनुमति जाने शर्त। बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है। इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना काल और ठंड के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा में बोर्ड ने एक तरफा जहां परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है, वहीं वैसे परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बोर्ड ने वैसे परीक्षार्थियों के लिए ये इंतजाम किए हैं। वैसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य तरह की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटोयुक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आएं। इसके साथ ही पहचान पत्र की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा।
भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री रानी चटर्जी ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रियंका गांधी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया है। रानी चटर्जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। इस बात की जानकारी रानी चटर्जी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद से लगातार उन्हें फैंस बधाइयां दे रहे हैं। भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही हैं। रानी चटर्जी लिखती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये वही नारा है जिसके सहारे प्रियंका गांधी अपने विरोधियों पर हमला बोल रही है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में रानी चटर्जी ने प्रियंका गांधी को धन्यवाद लिखा है। रानी लिखती है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ जुड़कर मैंने एक नई अध्याय की शुरुआत की है। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात हुई, साथ में मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर से भी मुलाकात हुई। रानी चटर्जी ने जैसे ही तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तब से लगातार उनके फैंस की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर मौसम की मार जारी, कोलकाता व मुंबई के लिए नहीं उड़े विमान। दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता व मुंबई आने जाने वाले हवाई यात्रियों को मायूसी हाथ लगी। सोमवार को कोलकाता व मुंबई रूट पर विमानों की आवाजाही नहीं हो सकी, लिहाजा यात्रियों को काफी परेशानी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार आज 6 विमानों में कुल 898 पैसेंजरों ने यात्रा की। हैदराबाद, बेंगलुरु व दिल्ली के लिए एक एक जहाजों की आवाजाही हो सकी। 5 जोड़ी विमानों का आवागमन रद्द कर दिया गया। इसमें दिल्ली, बेंगलुरु एवं कोलकाता की एक एक सेवा शामिल है। मुंबई आने जाने वाली 2 जोड़ी उड़ान संचालन नहीं किया गया। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना 16 विमानों की आवाजाही का शेड्यूल है। इन दिनों इनमें से अधिकांश उड़ान रद्द हो जा रही है। बताया जाता है कि इन दिनों यात्रियों की संख्या कम होने के कारण एयरलाइंस की ओर से सेवा रद्द की जा रही है, जबकि अभी भी दरभंगा से औसतन 150 यात्री प्रति विमान टिकट बुक कराते हैं। आवागमन करने वाले यात्रियों की यह संख्या काफी अच्छी मानी जाती है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में किया गया बदलाव, जानिए पूरी डिटेल। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलावों को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है, वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। वहां चालक अब दूसरे जिले से स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब तक कोई भी लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। इस वजह से जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है, वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए स्थायी लाइसेंस बना लेते थे। इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। परिवहन विभाग ने ठीक से नहीं सीखने की वजह से हादसे होने की बात कही थी। आपको बता दें कि पटना में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन सहित ऑनलाइन टेस्ट का भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, लाइसेंस फेल हो रहा था। उन्होंने दूसरों जिलों में जाकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। स्थायी लाइसेंस के लिए 2300 रुपये का चालान काटना पड़ता है, अलग से स्लॉट बुक करने का 50 रुपये देने पड़ते हैं। अब इससे हजारों आवेदकों का लाइसेंस फंस सकता है। आपकी रसोई तक पहुंचेगा अब जीविका दीदी का हल्दी पाउडर। इन उत्पादों को बाजार में लाने की बन रही है योजना। जी हां, अब लोगों के किचन तक जीविका दीदी की हल्दी पहुंचेगी। जीविका दीदियों द्वारा तैयार हल्दी पाउडर का शनिवार को समारोह पूर्वक प्रमोशन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने दीदियों को कार्यों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है, जीविका दीदियों के परिश्रम का परिणाम है कि उनके पहले उत्पादन का प्रमोशन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस हल्दी पाउडर को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 3 माह के भीतर हल्दी पाउडर के साथ अन्य उत्पादों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका दीदियों से डीएम ने कहा कि वह यहीं रुके नहीं, अपने उत्पादन को बढ़ाएं जिससे अधिक लाभ मिल सके। डीएम ने कहा कि जीविका दीदियों के ऊपर समाज में सकारात्मक बदलाव का दायित्व है। जीविका दीदियों ने कई मौके पर इसे साबित भी किया है। उन्होंने दीदियों का हौसला अफजाई करते कहा है कि जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार का सारा विभाग आपके सहयोग में हमेशा तत्पर है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों के संघर्ष की कहानियां सर्वविदित है। जीविका दीदियों ने छोटे छोटे प्रयासों से बेहतर परिणाम दिया है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।